आप देख रहे हैं एस न्यूज, खबरें हर पल की। नमस्कार, आप देख रहे हैं एस न्यूज और आपके साथ मैं हूं प्रतीक मिश्रा। और अब वक्त हो चला है 5 मिनट में 25 खबरों का। सीएम कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी को क्रिश्चियन मिशन से मिले 6 करोड़ रुपए ईडी। पहली बार हाईकोर्ट में मौजूदा जज पर दर्ज होगी FIR, CJI की मंजूरी। कैफे कॉफी डे के मालिक वीजी सिद्धार्थ ने की खुदकुशी, 36 घंटे बाद नेत्रावती नदी में मिला शव। मुंबई में आज फिर हो सकती है भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश गोगोई ने उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के खत को लेकर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री से मांगा जवाब। कर्मचारियों की छटनी पर रेलवे का स्पष्टीकरण, नियमित कागजात की समीक्षा के लिए जारी किए गए हैं। गूगल साइंस फेयर में कर्नाटक के 2 भारतीय छात्र हुए विजेता, रबड़ तैयार करने का इको फ्रेंडली तरीका। 10% आरक्षण का मामला संविधान पीठ के पास भेजने पर विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट। पश्चिम बंगाल में सूटकेस में टुकड़ों में मिले युवक और युवती के शव, इलाके में फैली सनसनी। 2 दोहरे हत्याकांड से दहला कोलकाता, एक जोड़े की चाकू तो दूसरे की गला दबाकर हत्या। रिकॉर्ड, पहली बार भारतीय वायुसेना के पायलट ने विंग सूट पहनकर 8500 फुट की ऊंचाई से लगाई छलांग। बिहार में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 130 पहुंची, असम में घटा जलस्तर। चंद्रयान 2 भेजने वाले इसरो के वैज्ञानिक की काटी जा रही है तनख्वाह, सरकार को लिखी चिट्ठी। उन्नाव दुष्कर्म कांड, विधायक सेंगर व उसके भाई सहित 25 पर CBI ने दर्ज की FIR। लखनऊ, खराब कानून व्यवस्था पर योगी सरकार की कार्यवाही, हटाए गए प्रमुख सचिव गृह अरविंद कुमार। उन्नाव कांड, दुष्कर्म पीड़िता के चाचा को मिली थी 12 घंटे की पेरोल, आज हुआ पीड़िता की चाची का अंतिम संस्कार। दिल्ली में विदेशी शराब के जल्द घट सकते हैं दाम, सरकार की नीति में किया बदलाव। दिल्ली NCR में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक के विरोध में डॉक्टरों की आज देशव्यापी हड़ताल। दिल्ली NCR में रोल्स रॉयस ने ठेके हासिल करने के लिए दी 76 करोड़ की रिश्वत, केस दर्ज। रुड़की में जेल परिसर से बंदी हुआ फरार, कुछ दिन पहले भी पुलिस कस्टडी से भागा था। हरिद्वार में मोबाइल चोरी के शक में युवक की पीट पीट कर हत्या, 5 लोगों पर केस दर्ज। बारिश के बाद भूस्खलन बना रुकावट, अमरनाथ यात्रा पर सीधा असर, जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों द्वारा किए गए IED विस्फोट में CRPF का एक जवान शहीद। डोपिंग के आरोप में युवा क्रिकेटर पृथ्वी शॉ पर BCCI ने लगाया बैन। फिर दिखाया क्रिस गेल ने रौद्र रूप, कनाडा ग्लोबल T20 में वैंकूवर नाइट की ओर से खेलते हुए 54 गेंदों में ताबड़तोड़ 112 रन की पारी। और अब दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए एस न्यूज। आप देख रहे हैं एस न्यूज, खबरें हर पल की।